हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज। और क्या आपने कभी पंछियों और इंसानों के युद्ध के बारे में सुना है? और क्या करोगे अगर रात को 10 बजे के बाद आप अपना खुद का बाथरूम भी यूज ना कर सके? सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखे। सो लेट्स स्टार्ट विद फैक्ट नंबर 10, इंसान और पंछियों का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हुआ ये था कि सन 1929 में ऑस्ट्रेलिया के खेतों में अक्सर इमूस के झुंड आकर खेती को बर्बाद करते थे। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने अपने रिटायर्ड सैनिकों को ड्यूटी पर लगा दिया और उनको उन पंछियों पर डायरेक्ट शूट करने का परमिशन दे दिया। लेकिन इन सब के बावजूद वो सैनिक इमूस को कंट्रोल नहीं कर पाए। असल में इमूस की संख्या इतना ज्यादा था कि युद्ध के दौरान सैनिकों की गोलियां खत्म हो जाती थी, पर उन इमूस के झुंड खत्म नहीं होती थी। लाख कोशिश करने के बावजूद सैनिक उनको रोक नहीं पाए और हार मानकर वहाँ से चले गए। तो फ्रेंड्स, शर्माए मत, इंसान पंछियों से भी हार सकता है। फैक्ट नंबर 9, मिश्र एक ऐसा देश है जहाँ पे बिल्ली को पूजा किया जाता है। असल में उस देश के लोगों का ये मानना है कि बिल्लियाँ जादुई जीव है और बिल्लियों को घर में पालने से वो अपने आप को और भी लकी फील करते हैं। फैक्ट नंबर 8, रात में किसी को बाथरूम जाने के लिए भी अगर कानून का पालन करना पड़े तो इससे बड़ी और क्या मुसीबत हो सकती है? जरा सोचिए उस देश के बारे में जहां इस तरह का कानून है। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड में रात को 10 बजे के बाद फ्लश के इस्तेमाल पर रोक है। यहाँ पर ऐसा करने पर जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ऐसा करने से साउंड पोल्यूशन कम होगा। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स, चेस खेलते वक्त एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम समझते हैं कि हमारे पास और मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन दोस्तों, चेस की बस एक गेम में इतना मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटीज है जिसको सुनते सुनते आपका पसीना भी निकल सकता है। शतरंज की एक गेम में एग्जैक्टली 4673665034756288456012645 टाइम्स तक मूवमेंट्स पॉसिबल है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है, रोबोट्स हम इंसानों को हेल्प करने के लिए बनाया जाता है, और इसीलिए फेसबुक ने भी अपने काम को इजी करने के लिए दो आर्टिफिशियल रोबोट्स एलायस और बॉब को बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हुआ जब वो दोनों रोबोट्स अपने खुद के लैंग्वेज से एक दूसरे से बात करना शुरू कर दी। फिर फेसबुक को इमीडिएटली वो दोनों रोबोट्स को बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में रोबोट्स ही हम पे भारी पड़ जाए। और जरा सोचिए, अगर वो खुद के लैंग्वेज से बात कर सकते हैं, तो और क्या क्या नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 5, ऑस्ट्रिच दुनिया का एकमात्र ऐसा पंछी है जो कि पत्थर खाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिच का कोई दांत नहीं होता और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा है कि वे कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से वे पत्थर को भी निगल लेते हैं। और नॉर्मली ऑस्ट्रिच का 3 पेट होता है, जिसके कारण उनका भोजन की मात्रा भी अधिक होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कार्स की संख्या दिल्ली में है? 2017 में एक रिसर्च के अनुसार दिल्ली में 10 मिलियन से भी ज्यादा कार्स है। सो इसे हम एक मेजर रीजन भी बोल सकते हैं, जिसके वजह से दिल्ली का पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, एक डायमंड असली है या नकली, ये आप कैसे पता करोगे? ये पता करने के लिए आपको डायमंड को अपने मुंह के सामने रखे और शीशों की तरह अपने सांसों से इसे धुंधला कर दे। अगर वो डायमंड कुछ सेकंड के लिए धुंधला रहता है तो ये नकली हीरा है, क्योंकि एक असली हीरा कभी भी धुंधला नहीं हो सकता। एक असली हीरा को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका एक दूसरा उपाय भी है, हम उसका एक्सरे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक असली हीरा कभी भी एक्सरे में नहीं आता। तो इसी तरह से हम एक्सरे को देखकर ये पता कर सकते हैं कि एक हीरा असली है या नकली। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसा चेस देखा है? ये एक ऐसा चेस है जिससे 3 लोग एक ही साथ खेल सकते हैं, और इसका नाम ट्रायूजर चेस है। एंड द गुड थिंग इज दैट इट इज इन्वेंटेड बाय आदित्य निगम, हु इज फ्रॉम इंडिया। वाओ, इट्स ऑसम। फैक्ट नंबर 1,
दोस्तों ये एक ऐसा ऑयल है जिसको सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं और ज्यादातर लोग ही इसको हेयर ऑयल के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है इस ऑयल के बोतल पर कहीं भी हेयर ऑयल लिखा नहीं है? हाँ दोस्तों, पैराशूट ऑयल के बोतल पर हेयर ऑयल लिखा हुआ नहीं होता। अकॉर्डिंग टू लॉ, हेयर ऑयल एक ब्यूटी प्रोडक्ट है और कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को 8% एक्साइज ड्यूटी एज ए टैक्स भरना पड़ता है और उसी 8% टैक्स को बचाने के लिए पैराशूट ऑयल अपने बोतल पर हेयर ऑयल मेंशन नहीं करता। 8% टैक्स को बचाने के लिए कंपनी ने अपने ऑयल को इतना प्यूरिफाई किया और उसकी क्वालिटी को इतना मेंटेन किया कि हम उसे आज कुकिंग के ऑयल में भी यूज कर सकते हैं और ये ऑयल FSSAI के द्वारा भी अप्रूव्ड है।